कुरैसी साहब का चेहरा। श्री माननीय राज्यपाल गौतम जी, मंत्री जी के आपका आभार करना चाहूंगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उद्घाटन भाषण दिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी वक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने आरक्षण विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए, अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी प्रतिभागियों को भी आज का सम्मेलन की सफलता के वरिष्ठ योगदान जिनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं अपने कमीशन के सभी साथी एवं विशेष रूप से शमी मक्तर जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात दिन एक कर आज सम्मेलन को सार्थक बनाया। अन्य सभी साथियों और संस्थाओं का भी हार्दिक आभार करता हूँ, जिन्होंने सम्मेलन में आयोजन में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। आज हमने एक प्रोग्राम रखा था ओबीसी और SC ST को एक मंच पे लाने के लिए, एक ऐसा सेमिनार रखा था जिसकी वजह से अक्सर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और लोग आए काफ़ी, उन हर वर्ग से आए, SC समाज से भी आए, OBC समाज से भी आए, और जो भी सब आए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो आके अपना कीमती समय निकाल के और हमको उन्होंने सुना। कितने करीब 6 स्पीकर आए थे। कितने लोग आए टोटल इसमें? जी देखो, ये ऑडिटोरियम कुल 300 कुर्सी का है, और आपने सब देखा ही है कि कुर्सियों से भी ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे, तो 600 कुर्सियों का वैसे ऑडिटोरियम है। मेरा नाम जुडित एन है और मैं नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के साथ काम करती हूँ। मेरा रिसर्च में ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो हम लोगों ने एक जाति सूचक और लिंग के भेदभाव पे होने वाले बहुत सारे भेदभावों को हमने देखा, और हम लोगों ने स्कूलों में भी भ्रमण किया और एक रिसर्च भी लेके आए हम लोग। हमने देखा कि अभी भी जाति सूचक और लिंग के भेदभाव पे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। बिहार और राजस्थान और बहुत सारे झारखंड के स्कूलों में भी बच्चों के साथ जाति और लिंग, और क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, उस पर भेदभाव भी हो रहा है। बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों को मिड डे मील के दौरान पीछे बिठाया जाता है, और कुछ कुछ बच्चों को जो थालियाँ हैं वो भी अलग है, और कुछ कुछ बच्चे जो हैं उनको ये भी बोला जाता है कि जो तुम्हारा खाने का स्थान है तुम बिल्कुल एंड में जाके बैठ के खाना खाओगे। ऐसी कुछ प्रथाएं हिमाचल प्रदेश से भी उठ के आई हैं। हमारे पास कुछ केसेस भी हैं जो हमारे जो साथी लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में जो लोग हैं वो इन केसेस को देख रहे हैं, और हम लोग भी जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे देश में जो ये जो चीज़ें हैं वो जाति प्रमाण पर अभी भी आगे बढ़ रहा है, तो जातिवाद अभी भी हमारे देश में ख़त्म नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको, जातिवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस पर आप क्या काम कर रहे हैं अभी? अभी हम लोग जो है, जो हमारा लीगल सिस्टम है हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके साथ मिलके हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, और हम लोग ये भी देख रहे हैं जो हमारे जितने भी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी सरकार लेके आ रही है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, वो चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या वो SC ST प्रिवेंशन अट्रॉसिटीज़ एक्ट हो, और जितने भी हमारे तमाम जो स्कीम्स हैं जो हमारे पिछड़े वर्ग, SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए हैं, वो सारे लागू हों। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का अभी भी वो एक मेंटालिटी है कि ऊंच नीच का अभी भी फ़र्क है, तो जैसे अम्बेडकर जी ने बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जातिवाद इसलिए पनपता है और इसलिए है क्योंकि वो एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि वो एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है जहाँ पे हम लोग वो डिवाइड एंड रूल वाला बात हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि मुझे अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो वो मेरे लिए काफ़ी है, मगर हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्योंकि हम लोग इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सब लोगों पर असर पड़ रहा है, मगर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम एकजुट होंगे तो हम इस चीज़ को चुनौती मानकर आगे बढ़ सकते हैं।